हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 20th ऑफ सितंबर से लेके 26th ऑफ सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। द डेविल, Queen of Pentacles, King of Swords, Six of Pentacles, and Ten of Cups. Okay, so हमारे पास है Ten of Cups. I think कोई ड्रीम्स देख रहा है आपके साथ फ्यूचर के, बट एक्ट करने को तैयार नहीं है। ये पर्सन अपने आप को बदलना नहीं चाहता और उन्हें लगता है कि उनका बस एक ही काम है, वो ये कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में ड्रीम देखते रहे, अपने ड्रीम्स पूरे करने के बारे में सोचे। बट जब बात आती है आपकी, तो ये पर्सन शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। इनफैक्ट किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है कि ये काफ़ी ज़िद्दी हो गए हों। इस पर्सन को लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करना चाहिए या उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना चाहिए। आपको और कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए, आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। ओके, उन्हें लग रहा है जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल्स को जानते हैं और उन प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हैं, आप अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आप प्रैक्टिकल है, समझदार हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपके हैं और आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर दूसरा आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट ना करें तो आप उस पर्सन से दूर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इतने मजबूर हैं कि चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि इस पर्सन को उम्मीद है क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं टॉरस, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आप एक बार फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दें, उनकी बातें मान जाएं और भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएं क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। द डेविल के साथ इस वक्त इस पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग इनको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। इस पर्सन ने इस लव को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है और द डेविल इनके नेगेटिव थॉट्स के बारे में बता रहा है। ऑल्सो द डेविल कभी कभी बाहर का इन्फ्लुएंस भी होता है, दूसरों को देखना, दूसरों से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करना या मे बी किसी के रिलेशनशिप गाइडेंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, दूसरों को अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने देना। डेविल किसी भी रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टॉरस तो उनके कंट्रोल में है, क्योंकि टॉरस उनसे इतना प्यार करते हैं तो टॉरस आप कहीं और जा भी नहीं सकते। टेन ऑफ कप्स के होने का मतलब है इस पर्सन को लगता है कि आप जो ड्रीम देखते हैं लव का, वो सिर्फ वही पूरा कर सकते हैं। सो उन्हें रिप्लेस करना आप कर नहीं पाएंगे, मतलब ये आपके कैपेबिलिटी में ही नहीं है, ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को उम्मीद तो ये थी कि आप इनके लिए कुछ भी करेंगे या इनसे प्यार की भीख मांगेंगे, आप इन्हें चेज करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि ये मान जाए। और इस बार इस पर्सन को लगता है कि ये नहीं हो रहा है, जो बहुत ही अजीब चीज़ है। उन्हें लग रहा है कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है और आपके अंदर कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा। इस बार जो आपने अपने लिए चूज कर लिया है उस पर आप टिके हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और इस बात को यह पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उन्हें लगता है कि चलो कुछ देर और सही, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि इंतज़ार का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा, आप ज़रूर उन्हें अप्रोच करेंगे। एट द सेम टाइम टॉरस, ये पर्सन किसी तरीके का एडवांटेज भी देख रहा है इस रिलेशनशिप में। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरीके का फ़ायदा मिल सकता है आपसे, चूँकि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को चाहिए जो कुछ भी आपके पास है। ये पर्सन चाहेगा कि आप उनके साथ ही रिलेशनशिप में बने रहें, क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ
उनके लिए ये रिलेशनशिप परफेक्ट भी होगा और फायदेमंद भी, उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है आपसे। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि आपका वर्थ क्या है। ओके, उन्हें यूनिवर्स ने आपसे इसलिए मिलाया क्योंकि आप उन्हें बहुत कुछ ऑफर कर सकते थे, आप उनकी मदद कर सकते थे ग्रो करने में, आपने उनका ख्याल भी रखा। बट जितना ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते गए उतना ज़्यादा ये पर्सन इमेच्योरिटी करता गया। और अब द हाई प्रिस्टेस के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को मत इग्नोर कीजिए, ट्रुथ जैसा है उसे वैसे ही देखिए। और हाई प्रिस्टेस आपसे कह रही है कि आपको पता है कि ट्रुथ क्या है। ओके, ऑल्सो इस पर्सन को भी ये रियलाइज हो रहा है कि उनके पास भी एक गिफ्ट है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये शो करना चाहेगा जैसे कि गिफ्ट आप नहीं वो हैं। ओके, प्रिटेंड करने में ये चीज़ों को बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से माइंड गेम खेल लेते हैं और शायद वहीं यहाँ पे हो रहा है। ओके, एक्ट ऐसे करेंगे जैसे कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं या वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि उन्हें आपको लूज करने का डर है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को डर नहीं है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आजकल सोच में डूबा रहता है कि टॉरस इतने बदल कैसे गए, टॉरस के अंदर ये चेंज आखिर आया तो क्यों आया, क्या टॉरस उन्हें आगे अप्रोच करेंगे। सो मन में डर है, ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ टू ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये कह रहा है कि केयरफुल कंटेम्पलेशन ज़रूरी है, केयरफुली सोच समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड अगर कोई चेंज लेके आ रहा है तो वो यूं ही नहीं लेके आ रहा। यूनिवर्स आपके लाइफ में इसलिए चेंज ला रहा है क्योंकि चेंज ही आपके लिए बेनिफिशियल है। कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती है, स्पेशली जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं या सैड होते हैं, और वैसे भी हम सारी चीज़ों को एक साथ देख नहीं पाते, हम सिर्फ प्रेजेंट को ही देख पाते हैं, फ्यूचर बहुत दूर तक का हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये चेंजेस ऑफ कोर्स आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहे, अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, बट देन यही चेंजेस आपको बेहतर फील कराएंगे। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आप अपनी जगह सही हैं और जिस प्रिंसिपल के लिए आप आज तक स्टैंड करते आए, जो भी आपके मॉरल्स हैं, उन्हें सेक्रीफाइस मत कीजिए। ओके, यही आपको टैरो कहना चाहता है, आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप अपने लिए स्टैंड करें और अपने लिए सही चूज करें, अपने लिए बेहतर चूज करें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल जो चैलेंजेस हैं उससे आगे बढ़ना ज़रूरी है, जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए। ओके, मे बी ये रिलेशनशिप आपको इसलिए चाहिए था क्योंकि आप एक हैप्पी लव लाइफ का सपना देख रहे थे, और अगर वो अभी पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको शायद ये ऑफर करने के लायक ही नहीं है, केपेबल ही नहीं है। सो आपको जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप पे, और उसे अट्रैक्ट कीजिए। आपको टॉक्सिसिटी झेलने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस सिचुएशन को। सो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।